का हो जाता। हरा वस्त्र पहनकर आता तो मुस्लिम का फकीर बन जाता, श्वेत वस्त्र पहनकर आता सिख या ईसाई का हो जाता। लेकिन मैं समस्त जगत को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए दिशाओं का अंबर ओढ़कर दिगंबर बनकर आया हूं, जिससे हर इंसान को एक ही स्थान पर जियो और जीने दो का प्रेममयी ज्ञान मिल सके। ऐसे अनुपम विचारों के सूत्रधार डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को सुनते प्रणाम धारा प्रवचन माला। सिद्धेभ्यः ज्ञान के दीप जलने लगे, पाप के सूल गलने लगे। ज्ञान के दीप जलने लगे, पाप के सूल गलने लगे। जब सिपाही तुम्हारी शरण, मेरा मुझसे करा दो मिलन। अरहत दो मुझको अपनी शरण, तेरे चरणों में सत सत नमन। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए, 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य आचार्य श्री एक्सवाड पुष्पदंत सागर जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनकी परम आशीष और अनुकंपा के माध्यम से प्रिय आत्मन आपके समक्ष हो। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, मुनिश्री हम टीवी क्यों देखते हैं? वर्तमान समय में हर घरों में एक टीवी हुआ करती है। टीवी के भीतर दुनिया के सारे विचार समाहित हुआ करते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया की सारी जानकारी हमें टीवी के माध्यम से मिल जाया करती है। टीवी पर बच्चों के लिए भी कुछ मिलता है, नारी के लिए भी कुछ मिलता है, पुरुषों के लिए भी कुछ मिलता है, लेकिन वह जानकारी दुनिया की जानकारी तो दे सकती है, विदेशों के बारे में तो बता सकती है, व्यापार की पहचान करा सकती है, परिवार के बारे में जानकारी दिला सकती है। वर्तमान समय में इस टीवी के माध्यम से व्यक्ति अपने सोच को खो चुका है, अपने विचारों से शून्य हो चुका है। जैसा टीवी पर दिखाया जाता है वैसा ही वह खरीदने का प्रयास किया करता है। आपने कभी विचार किया एक ही विज्ञापन को बार बार क्यों दिखाया जाता है? सिर्फ आपके मन को केंद्रित करने के लिए, आपके विचारों को समाप्त करने के लिए। सिर्फ आप उस विज्ञापन के विचारों से जीवन जिए, उस विज्ञापन के अनुसार अपने विचारों को बनाने का प्रयास करें, इसीलिए बार बार एक ही वस्तु का विज्ञापन दिखाया जाता है। आज का जमाना विज्ञापन का हुआ करता है। व्यक्ति माल पर नहीं विज्ञापन पर विश्वास किया करता है, व्यक्ति वस्तु पर नहीं विज्ञापन की तरफ ध्यान को केंद्रित किया करता है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से व्यक्ति ने अपने जीवन को शून्य कर दिया है। आज बच्चे जब चॉकलेट का विज्ञापन देखते हैं तब कहते माँ मुझे यही चॉकलेट चाहिए, जब बच्चे बिस्किट का विज्ञापन देखते हैं एक ही बात कहते माँ मुझे यही बिस्कुट चाहिए। लेकिन माँ कभी बच्चों से नहीं कहती बेटा बिस्कुट का विज्ञापन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिस्कुट नाम कितना खतरनाक हुआ करता है, कितना हानिकारक होता है। नाम से तो पार्ले जी बिस्कुट है, मोनाको बिस्कुट है,
क्रैक जैक बिस्कुट है, ब्रिटानिया 50-50 बिस्कुट है, लेकिन बेटा उसके नाम के साथ एक शब्द जुड़ा है, बिस्कुट, जिसके अंदर विष भरा हो, कूट कूट करके उसे कहते हैं बिस्कुट। आज तक माँ ने इस प्रकार के विचार बच्चों के भीतर पैदा नहीं किए। जब बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, माँ यदि कहें कि बेटा चॉकलेट खाने से बुद्धि चौक हो जाया करती है, उसमें जिलेटिन हुआ करती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुआ करती है, बेटा इस चॉकलेट से आपकी बुद्धि चौक हो सकती है, तब जाकर बच्चा उस चॉकलेट और बिस्किट का त्याग कर सकता है। लेकिन माँ इन विचारों से अनभिज्ञ है, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाजार में जब कोई विज्ञापन आता है, हमारा मन उसी विज्ञापन की तरह केंद्रित हो जाता है। बाजार में जब कोई विज्ञापन आता है, हमारा मन उसी विज्ञापन की तरफ केंद्रित हो जाता है। आज तुम्हारे पति एक इंसान टीवी पर क्या दिखता है, आज तक मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, मॉरीशस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, सारी दुनिया की जानकारी घर बैठे बैठे प्राप्त कर लेता है। आप सोचिए, जब टीवी देखते हैं, उस टीवी देखते समय ना जाने कितनी सारी लाशें देखने को मिला करती हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर उदासीनता दिखाई नहीं देती है। पहले जब किसी की लाश के समाचार मिलते थे, किसी के मरण के समाचार मिलते थे, पूरे घर में शोक सभा जैसा माहौल हो जाया करता था, पूरा परिवार उसके अंतिम संस्कार में पहुंच जाया करता था। लेकिन आज वर्तमान समय में व्यक्ति ना जाने कितनी लाशों को हर दिन टीवी पर देखता है, लोगों को मरता हुआ दिखता है, फिर भी उस समय चाय की चुस्कियाँ लिया करता है, मेरे साथ नहीं दुनिया के साथ हुआ है। ध्यान रखना, यदि तुम्हारे घरों में टीवी के माध्यम से मौत दिखाई जाती है, तो ये मान के चलना तुम इस परिवार में नहीं, साक्षात उस समय शमशान घाट में उस लाशों को देख रहे हो। टीवी हमारे विचारों को शून्यता प्रदान किया करती है। जैसा टीवी पर दिखाया जाता है, वैसा ही देख करके हम अपने जीवन को जीने का प्रयास किया करते हैं। टीवी पर जब एक विज्ञापन बार बार दिखाया जाता है, तब हमारे मन के कॉन्शियस में, मन के भीतर वह विज्ञापन समाहित हो जाता है। उस विज्ञापन को देखकर हम भौतिक वस्तुओं को खरीदते हैं। विज्ञापन के माध्यम से हम अपने परिवार में भौतिक वस्तुओं की प्रस्तुति किया करते हैं। यदि हम कोई बिस्किट खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते समय यदि कोई हम बिस्किट खरीदते हैं, उन बिस्किटों में नाम तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन नीचे जो शब्द है बिस्कुट, जिसके अंदर विष भरा हो, कूट कूट करके उसे कहते हैं बिस्कुट। चॉकलेट, जिसको खाने से आपके मन में लग जाए चौक, आपका मन हो जाए चौक, उसे कहते हैं चॉकलेट। लेकिन आज तक किसी माता पिता ने बच्चों से नहीं कहा, बेटा इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले के समय जब बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, माँ कहती थी, बेटा मैंने एक पराठा बनाया है, उसमें नमक मिर्च मिला करके बच्चे को गोल बना करके दे दिया करते थे। उस समय बच्चा माता पिता से जुड़ जाया करता था, क्योंकि उस समय बच्चों को माँ के हाथों का नाश्ता मिला करता था। जैसा नाश्ता वैसी आस्था। यदि बच्चे घर का नाश्ता करते हैं, माता पिता के हाथों से बना हुआ नाश्ता ग्रहण करते हैं, उन बच्चों की आस्था जीवन भर माता पिता की प्रति केंद्रित हुआ करती है। आज के समय बच्चे बाहर का नाश्ता करते हैं, बाजार का नाश्ता किया करते हैं, पैकेट का नाश्ता किया करते हैं, इसी कारण बच्चों की आस्था माता पिता से हटकर बाजारों की तरफ केंद्रित हो चुकी है। आज बच्चे एक बार माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन बाहर बाजार में बिक रही वस्तु का उल्लंघन कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन ने बच्चों के भीतर एक ऐसी
वस्तु समाहित कर दी है, एक ऐसी चीज़ समाहित कर दी है, उस चीज़ के कारण बच्चे अपने माँ बाप को नाचीज़ समझा करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं किया करते हैं। यह टीवी का प्रभाव है। आज एक इंसान टीवी पर क्या देखता है? दुनिया की मौत, सेंसेक्स, बाहर क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इस प्रकार के दृश्यों को देख करके जीवन को आनंदित मनाने का प्रयास करता है। एक पहले का समय था जब किसी की मौत होती थी, परिवार में, पूरे शहर में, पूरे देश में शोक सभा जैसा माहौल हो जाता था। लेकिन आज हर दिन मौत होती है, फिर भी किसी के चेहरे पर शिकन दिखाई नहीं देती है। पहले के समय जब परिवार में कोई मरता था, 13 दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे। लेकिन आज के समय इंसान इतना बेरहम हो चुका है, मरने के 2-3 दिन के बाद चूल्हे भी जलना प्रारंभ हो जाते हैं, व्यापार भी प्रारंभ हो जाता है, प्रतिष्ठानों पर कस्टमर आना प्रारंभ हो जाया करते हैं। आज के समय व्यक्ति के भीतर इंसानियत समाप्त होती जा रही है। यह सब टीवी का प्रभाव है। यदि शमशान घाट के सामने आपका मकान होता था, आप रात को चैन से सो नहीं पाते थे, किसी को मरता हुआ देखते थे, उस रात को हम प्रभु का नाम लेकर के सोते थे, कहीं स्वप्न में यह व्यक्ति हमारे घर ना आ जाए। लेकिन आज जब टीवी पर किसी की मौत को देखते हो, जलते हुए मुर्दे को देखते हो, उस समय आपको कोई गम नहीं होता है। आप उस दृश्य को देखकर चाय की चुस्की लिया करते हो, आनंद के साथ भोजन किया करते हो। सोचो आज टीवी के कारण इंसान की कैसी इंसानियत मर चुकी है। आज इंसान टीवी के कारण शैतान हो चुका है। भाई को भाई नहीं समझता है, परिवार को परिवार नहीं समझता है, पत्नी पति को कुछ नहीं समझती है। आज वर्तमान में टीवी पर सबसे ज़्यादा महिलाओं को बिगाड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा सीरियल महिलाओं के जीवन के व्यक्तित्व को लेकर के दिखाए जाते हैं। जब सीरियल विभाजन करने वाले होते हैं, हमारे परिवारों में विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। यदि सीरियल एकता के सूत्र में जुड़ने वाले होते हैं, तो वह सीरियल पूरे बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया करते हैं। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा सीरियल परिवार को विभाजन करने के लिए है। उस सीरियल में पता नहीं चलता है इसका कौन सा पति असली है। ना जाने हर दिन एक हीरोइन के कितने सारे पति बदल जाते हैं, परिवार में किस प्रकार का विभाजन होता है, यह सब टीवी के माध्यम से देख देख करके महिलाओं के भीतर विवादास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। वह महिला संस्कारों के अनुसार नहीं, समाज के अनुसार नहीं, संप्रदाय के अनुसार नहीं, टीवी के अनुसार जीना प्रारंभ कर दिया करती है। एक बालिका जब मेरे समक्ष दर्शन करने के लिए आई, बहुत लंबी बिंदी लगी हुई थी। मैंने उस बालिका से कहा, बेटा इतना छोटा तुम्हारा माथा है, उस माथे पर इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाई? उस बालिका ने कहा, मेरी माँ ने मेरे माथे पर बिंदी लगाई है। मैंने कहा, माँ को पता है कि तुम्हारा माथा छोटा है, फिर भी बड़ी क्यों लगाई? उस बालिका ने कहा, मुनिश्री मेरी माँ सीरियल देखती है, उस सीरियल में एक लेडी बहुत लंबी सर्प के आकार की बिंदी लगाती है। मेरी मम्मी ने भी उस हीरोइन के चित्र को देख करके मेरे माथे पर बिंदी लगाती है। सोचिए आज आप उस हीरोइन को देखते हो, वैसी हीरोइन की तरह आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो। आप टीवी में जब कोई गलत चीज़ देखते हो, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ा करता है। आज एक टीवी ने पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। आज पति घर आता है, पत्नी से बात नहीं करता, बच्चों से बात नहीं करता है, हाथ में रिमोट लेता है और टीवी के सामने बैठ जाता है। घर की एकता टीवी के माध्यम से समाप्त हो चुकी है। बच्चे घर आते हैं, टीवी को